फार्मर लोगों का एग्रीकल्चर टूर के बारे में स्टडी करने के लिए गए थे, तो बहुत ही अच्छा हमें रिस्पांस मिला ब्रेवरीज के बारे में, ग्रेप्स के बारे में और ग्रीन हाउस और डेरी डेवलपमेंट के बारे में, सब तरफ से कम पाने में ज़्यादा कैसा हम ग्रोज पैदा कर सकते हैं इसके बारे में हमें जानकारी मिली। वहाँ की डिसिप्लिन मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, वहाँ की इसराइल की मैनेजमेंट हमारा फार्मर यूज़ करता है तो महाराष्ट्र भी डॉट आने की पोजीशन नहीं हो सकती और यहाँ के फार्मर जो सुसाइड कर रहे हैं वो भी बंद हो सकता है। इसीलिए हमें हमारे साथ तो 46 फार्मर थे, नासिक के थे, सोलापुर के थे, नगर के थे और मुंबई के, सभी इलाके के लोग थे और अच्छी उसे जानकारी हासिल हुआ और हमें वहाँ के जो गाइड मिले थे वहाँ भी उसने बहुत ही अच्छा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पीए डायरेक्टर थे उसने भी हमें अच्छी तरह से ये जानकारी दे दी कि चाहिए ऑयल के बारे में, ऑयल हर्ड के लिए कौन सा ऑयल यूज़ होता है और कम पानी में कैसी खेती होती है, ड्रॉप इरीगेशन के बारे में हमें अच्छी जानकारी मिल गई। और खाली पैलेस्टाइन नहीं देखा तो हम 5-6 देश का भी दौरा पूरा हो गया। हम गए तो इसराइल में स्टडी करने के लिए, लेकिन जॉर्डन, पैलेस्टाइन, सीरिया और गाज़ा, ये सभी के हमें देखने को मिल गया। और लोगों को बोल रहे हैं कि वहाँ पैलेस्टाइन में और इसराइल में दंगा है, बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे से अच्छा वहाँ क्वाइट पोजीशन लग रही है, वहाँ कोई रिलीजियस के बारे में फिसाद नहीं। और एक मौके की बात ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ जीसस पैदा हुआ है, जीसस क्राइस्ट, वो जगह को हम जाके आए। और जो मुस्लिम समाज के लिए जो प्रॉफिट मोहम्मद का मक्का मदीना के बाद में जो सेकंड फेवरेट सिग्निफिकेंस है वो भी हम डोम देख के आए। और इसी तरह से हम अच्छा पोजीशन के हमारा दौरा हो गया है। और ये विद्यार्थी उद्योग भारती के प्रेसिडेंट, फाउंडर प्रेसिडेंट कड़ूस महेश पाटिल, ये राष्ट्रीय समाज पार्टी के स्टूडेंट विंग के महाराष्ट्र के चेयरमैन है, उसके नेतृत्व में ये दौरा हो गया। सब फार्मर को हमने वादा किया है कि आगे हमारा भागीदारी मिल जाएगी तो ये दोबारा टूर आरएसपी के तरफ से भी हम अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आदरणीय जानकर साहेबांनी आज 5 दिवस शेतकऱ्यांमध्ये व्यतीत करून खऱ्या अर्थाने एक आदर्श महाराष्ट्रामध्ये निर्माण केलेला आहे। आमच्या कृषी पदवीधर राज्य संघटनेच्या उद्योग भारती ह्या विभागाकडून हा दौरा आयोजित केला होता। आमच्या तळागाळातले शेतकरी, बागायतदार शेतकरी, उद्योजक युवक मित्र, काही पुण्यातले, काही नागपूरमधले युवक मित्र, काही नाशिकचे द्राक्ष बागायतदार आणि इंदापूरचे काही डाळिंब शेतकरी शेळगाव येथील, अशा अनेक लोकांचा महत्त्वपूर्ण सहभाग या दौऱ्यामध्ये होता। आमचं असं एकच मत आहे की या महाराष्ट्रामध्ये जर दुष्काळग्रस्त एरियामध्ये किंवा शेतकऱ्यांना जर वाचवायचं असेल तर एकमेव इस्रायलमध्ये जी जास्त प्रकारे कमी प्राण्यामध्ये शेती केली जाते अशा प्रकारे शेती इथे व्हावी आणि त्यासाठी राष्ट्रीय जनता पक्षाला भरघोस मताने विजय करावं, तरच आम्ही शेतकऱ्यांना न्याय देऊ शकू, एवढंच सांगू इच्छितो।